नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। प्रदेश में पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा तेजी से बढ़ता जा रहा है। शासकीय विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों के द्वारा लगातार पेंशन योजना की बहाली को लेकर सरकार से मांग की जा रही है। इसी के चलते पुरानी पेंशन बहाली संघ के द्वारा सोमवार को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लांजी में पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक पुरानी पेंशन बहाली संघ के प्रदेश महासचिव देवेंद्र तिवारी की उपस्थिति में की गई। बैठक के दौरान लांजी विकासखंड के शिक्षक गण उपस्थित रहे। बैठक के दौरान प्रदेश महासचिव देवेंद्र तिवारी ने बताया कि देश के कुछ प्रदेशों में पुरानी पेंशन बहाल की जा चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में अब तक यह लागू नहीं किया गया है। हमारी प्रदेश सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द वे प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू करें। इसके साथ ही कहा कि अगर पुरानी पेंशन लागू नहीं किया जाता तो हमारे द्वारा सरकार के खिलाफ विशाल प्रदर्शन किया जाएगा।